सो हेलो बालो, क्या हाल चाल, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, और स्वागत है आप सबका यहाँ पे एक और नए वीडियो में आर्क सर्वाइवल लिवोल प्रामल फियर के। तो गाइस, प्रामल फियर के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने एक मैक्स लेवल, मैक्स नहीं बोल सकते, वो हाई लेवल का जो पीटी है उसको टेम करा था। उसके साथ साथ हमने ब्रोंटोसोरस को टेम करा था। एंड गाइस, यहाँ पे जो ना गाइस कुछ चीजें बनाने का काम भी जो ना गाइस वो हमने पिछले एपिसोड में यहाँ पे कर लिया था। अभी आज इस एपिसोड में हमको क्या करना है, क्या? ओ भाई, बोले तो फुल टू द भाई, मेटल मिल गया यार। मेटल जो ना गाइस वो काफी ज्यादा, ओ ये तो मेटल का पहाड़ ही छोटा सा। सो मैं यहां पे ही टीपी लगाऊंगा अपना गाइस, ठीक है। मैं जो ना गाइस एक टीपी लेके आया हूं, और इस वाले एरिया में आज जो ना गाइस हम काफी सारी सीड जो ना गाइस वो इकट्ठा करके जाने वाले। इसको हम नाम देंगे जन्नत गाइस, ठीक है, क्योंकि जन्नत की तरह लग रहा है गाइस, ठीक है। ये अपना भाई रैग्नारोक वाला जन्नत नहीं होता भाई, उसकी तरह भाई एकदम घास-फूस वाला एरिया है। यहां पे कोई भी मेरे को खतरनाक और डेंजरस वाला क्रिएचर नहीं दिखाई दे रहा है। और आज यहाँ पे मैं सीड इकट्ठा करूंगा, और सीड से घर जाके मैं पावरफुल वाले ट्रैंक एरोज कुछ वेपन्स बनाने वाला हूं। तो गाइज, आज का जो एपिसोड है ना गाइज वो होने वाले काफी ज्यादा खतरनाक वाला, और इस एपिसोड में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। लेकिन आज का जो प्रामल फियर का एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे बराबर से गाइज लाइक जरूर सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विदानी के चौक का लिंक मिल जाएगा, जहां पे हमारी डायनो ओवरऑल एक्सक्यूब आर्क की सीरीज चालू है। देखना, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है यार। और व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट, जावा, माइनक्राफ्ट, बेडरॉक या फिर किसी भी पीसी या मोबाइल गेम के सर्वर्स बनाने, तो नीचे निट्राडो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहां से जरूर बनाते हो तो आपको मिलेगा पूरा का पूरा 30% का डिस्काउंट। तो नीचे जो लिंक है उस पे क्लिक कीजिए और फटाक से डिस्काउंट लेके आ जाइए। मैं एक काम कर लेता हूं, मेटल जो ना गाइस वो तोड़ने के लिए ये वाली पिकैक्स जो ना गाइस जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इसी वाले एरिया में जो ना गाइस मैं अभी जो ना गाइस क्या बोलते हैं वो सीड भी इकट्ठा करने वाला हूं। सो इसलिए जो ना गाइस मैं क्या कर लेता हूं बताइए, क्या सबसे पहले थोड़े से भाई जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें वो मेरे पास ले लेता हूं। एरो बिरो ले लेता हूं, मिड बिड ले लेता हूं, देन अपन जो ना गाइस इसको क्रैप कर लेते। ओ दो, अरे अंडा दे रहा है तू भाई, फीमेल थी क्या जो हमने भाई पकड़ी हुई, वो फीमेल है, अच्छी बात है। चलो अभी घर पे चलता हूँ, और मैं मेटल के असेंटेड वाली पिकैक्स लेके आता हूँ गाइस, ठीक है, जो कि हमको काफी ज्यादा जो ना गाइस यहाँ पे हेल्प करने वाली, रिसोर्स कलेक्ट करने के लिए, खास करके ऑब्सिडियन और मेटल गाइस। अगर मैं स्टोन की पिकैक्स से यहाँ पे उठाने की कोशिश करूँ तो आपको बताया गाइस कितना ज्यादा टाइम लग जाता है गाइस। इसलिए ना अपन मेटल की पिकैक्स असेंटेड वाली घर पे बना लेंगे अभी भाई, ठीक है, और ब्लू प्रिंट से बना लेंगे, बीबी से बना लेंगे गाइस। जो मेटल वाली गई जो ना गाइस मेरे को सबसे पहले पिकैक्स और हैचेट, हैचेट की जरूरत है, इसी को भाई अभी फिलहाल के लिए बना ले। ये यहाँ पे डाल दे, ये मेटल वाली इसके अंदर नहीं बनेगा रे बाबा, इसके अंदर बन जाएगी ना मेटल वाली। ये यहाँ बनी पिकैक्स, इसको भाई पटाक से चटाक से जो ना गाइस यहाँ पे मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। इसको अपग्रेड करने के लिए मेरे हिसाब से जो भी सारा सामान चाहिए वो मेरा सारा सामान जो ना मेरे पास पड़ा हुआ है। यहाँ पे आने के बाद जो ना गुर्र करके जो ना गाइस काफ़ी ज़्यादा लाउड आवाज आता है, क्योंकि नीचे जो ना गाइस हमारे फर्नेस चल रहे हैं, और उस फर्नेस के अंदर से जो ना काफ़ी ज़्यादा लाउड आवाज़ आते रहता है। तो यहाँ पे इसको डाल देते हैं, एंड ये असेंटेड वाली बन जाएगी। इसका बीपी बनाना पड़ेगा खाली गाइस, एकदम ओपी वाला। ये बन गई ना 400 डैमेज भाई, 400 डैमेज भाई, बच्चे हो गया भाई, इतना ज़्यादा डैमेज कौन देता भाई। बीपी बना, ठीक है, और इस बीपी से जो ना गाइस अपन एकदम खतरनाक वाली वो बना लेंगे पिकैक्स गाइस। ऑलराइट, एंड ये बनाने के लिए सारा रिसोर्स अपने पास पड़ा हुआ है। उसके बाद ये बीपी जो ना गाइस फेंक देंगे, और नई वाली जो पिकैक्स होगी ना उसका बीपी बना डालेंगे 421। नहीं यार, ये बीपी ठीक है गाइस, ये बीपी ठीक है गाइस। चलो आ जाओ, लेट्स गो। मिड जो ना गाइस यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड चल के थोड़ा सा मेटल लेके आते हैं गाइस, ठीक है। मिड यहाँ पे डाल दें। वैसे मेरे पास फोर्ज बनाने लायक क्या मेटल आ चुका है? अगर आ गया होगा तो नीचे वाली फोर्ज मैं बंद कर लूँगा, पॉलीमर चाहिए भाई इसके लिए। तो ना यार, अभी तो नहीं बना पाएंगे अपन भाई वो बड़ी वाली फोर्ज को, ठीक है। वो मेटल मेरे पास आ चुका है ना गाइस, वो यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं थोड़ा सा मेटल लेके आ गया था, और कितना मेटल है, 800 मेटल ही लेके आया था, और ये कुछ भाई ऑयल बिल लेके आया हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ब्रोंटो का सैडल लेके जाना हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ब्रोंटो के ऊपर बैठ के जो ना कैसे हम नार्को बेरी और बाकी की सारी चीज़ें जो ना कैसे इकट्ठा करने वाले हैं। अरे यार, इसको प्यास लग गई बे, पानी का। अरे यार, घर पे किधर आ गए? चलो भाई घर पे ही आ गया वापस से, तो मैं पानी जो ना कैसे पी लेता हूँ। पैराशूट जो ना गाइस वो आर्ट बना के रख दिए मैंने गाइस, लेट्स गो, पीले भाई पानी, डन 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 डन। और अपनी खेती बाड़ी जो ना एकदम मस्त भी की चल रही है यहाँ पे। चलो गाइस जन्नत में चलते हैं, और वहाँ पे जो ना गाइस सबसे पहले मेटल निकालेंगे हम, एंड उसके बाद जो ना गाइस हमारा आगे का काम बेरी इकट्ठा करने का चालू कर देंगे। आज जो ना गाइस ग्राइंडिंग काफी ज्यादा तगड़े वाले होने वाले यहाँ पे। सो ये पूरा का पूरा मेटल का पहाड़ है, नीचे भी मेटल है ना शायद, पता नहीं, देखते चलो कितना मिल रहा है भाई। आराम से 2-3 हज़ार मिल जाएगा लग रहा है मेरे को भाई, भाई आराम से 2-3 हज़ार का ही। रुक जाओ, अभी गेम का हाउस बढ़ा देता हूँ, घर पे जाने से ना फोर्ज के पास अपन गेम का हाउस थोड़ा कम कर लेंगे। ओके, फिर भी
भाई 2-3 हजार तो बड़े आराम से मिल जाएगा। उस जो पिकैक्स का डैमेज जो है ना उतना तगड़ा वाला नहीं है। यहाँ पे भी एक पत्थर दिखाई दे रहा है मेरे को, इसमें से कितना मिलेगा? 4 हजार टोटल हो चुका है, 5 हजार हो गया भाई मेटल तेरे भाई के पास। भाई मेटल की कमी है क्या गाइस? एकदम परफेक्ट जगह मिलेगा इस मेरे को, यहाँ पे तो भर भर के मेटल है। आजू बाजू थोड़ा सा देख लेता, मेरे को लग रहा है नीचे वाली पहाड़ी पे भी मेटल मिल सकता है मेरे को। और यहाँ पे तो मेटल नहीं, अरे 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 नए वाले एरिया में जा रहा हूँ लग रहा है गाइज। ये वाला एरिया जो ना इसकी ग्राफिक अभी तक रेंडर नहीं थी, अभी हो चुकी है शायद रेंडर। ठीक है सो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मेटल मिल रहा है कि नहीं। अरे भाई बोले तो बुलडू था भाई, यहाँ पे तो हर जगह पे गाइज मेरे को मेटल ही मेटल मिल रहा है। ओ भाई ये सच में मेटल का ही पहाड़ है गाइज, देखना भाई जितना मेटल चाहिए उतना मेटल यहाँ से लेके जा सकता हूँ मैं। भाई मज्जाने लायक होगी तुम्हारे भाई की तो। अरे सारा मेटल जो ना अपने फोर्ज के अंदर जो ना पिघलाने के लिए डाल दूंगा मैं। रुक जाओ सारा मेटल निकाल लेता और देखता हूँ टोटल कितना मेटल मिलता है हमको। A few moments later. Guys, मेटल का लग रहा है पूरा पहाड़ जो ना मैंने साफ कर लिया है और मेरे को काफी सारा मेटल जो ना वहां से मिला है एक्चुअली में गाइस। ठीक है ऐसा नहीं कि मेटल नहीं मिला, बट मैं देख रहा चाहता हूँ कि इधर भी कहीं पे मेटल है कि नहीं। ये मेटल का पत्थर है क्या? अरे यार ये एक दो पत्थर जो ना जो छूट चुके हैं। रुक जाओ ऐसे मेरे पास अभी कितना मेटल है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाई। ओ भाई लगभग गाइस यहाँ पे बोल सकते हो 30,000 मेटल जो ना जो तुम्हारे भाई के पास टोटल आ चुका है। और स्टिल जो ना यहाँ पे कुछ पत्थर जो ना बीच बीच में मैंने छोड़ दिए थे गाइस। ये देख रहे हो ये मेरे को दिखे नहीं थे आते वक्त, ये बचे हुए पत्थर है गाइस, इनको तोड़ दूंगा उसके बाद सारा मेटल जो ना वो इकट्ठा करके हो जाएगा। चलो अभी ये मेटल जो ना मैं घर पे छोड़ के आता हूँ, देन उसके बाद मेरे को यहाँ से सीड लेके जा रही है टिंटो बेरी नार्को बेरी एंड बाकी की जितनी भी बेरी है सारी बेरीज के जो सीड है ना गाइस वो लेके चला जाऊंगा क्योंकि उनसे हमारा पावरफुल वाला नारकोटिक बनेगा। इस बक्से के अंदर सारा का सारा मेटल जो ना गाइस वो भर के रख देता हूँ। थोड़ा सा स्टोन भी साथ में लेके आया था। ये बक्सा ही फूल हो गया भाई, ये कर लो पहले भाई, बक्सा ही फूल हो गया क्योंकि इसके अंदर डाल देता। कोई डायनो तो नहीं डाला ना? नहीं डाला गया। ठीक है चलो लेट्स गो गाइस, अभी चलते वापस से भाई यहाँ पे जन्नत पे और वहाँ पे ब्रांटो को निकाल के भर भर के बेरी इकट्ठा करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ब्रांटो से बेरी जो ना गाइस वो ज़्यादा मिले। एक्चुअली में बेरीज अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो हमको शायद इग्वाना डॉन टेम करना चाहिए। इग्वाना डॉन से काफ़ी तगड़ी वाली बेरीज मिलती है। देखते चलो इसकी थोड़ी सी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा स्टैमिना बढ़ा लेता हूँ क्योंकि स्टैमिना की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वेट थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा डैमेज बढ़ा देंगे हम यहाँ पे इनका। राइट एंड देन इसके ऊपर बैठ के बेरीज इकट्ठा करने का काम चालू कर लेंगे भाई। ठीक है बेटा है कैप्टन। ओ सीड्स ज़्यादा तो नहीं मिल रही है, 4-4, 5-5 सीड्स से कुछ नहीं होने वाला यार। ब्रोंटो सर सर जी इससे ना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ नार्को बेरी मिल रहे वो अच्छी बात है, बट कुछ खास फ़ायदा जो ना गाइस मेरा तो इससे होने नहीं वाला। डैमेज बढ़ा दूँ क्या? डैमेज बढ़ा देता हूँ और मूवमेंट स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि हमारा ब्रोंटो जो ना गाइस वो जल्दी जल्दी दौड़ सके। गाइस जितने मेरे को सीड मिल रहे हैं ना अगर ऐसे में अगर यहाँ पे सीड उठा दे रहा हूँ ना तो मेरे को 400 साल लग जाएंगे जितने मेरे को नार्कोटिक बनाने के लिए सीड चाहिए ना उतनी सीड इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लोली स्लोली जो ना गाइस हमारे ब्रोंटोसॉरस यहाँ पे भाई सीड इकट्ठा करेगा। और यही जो ना गाइस घास फूस वाला एरिया है, आप बोलोगे अपने घर के पास क्यों नहीं निकाल रहा सीड? वहाँ पे अगर सीड निकालने जाओ ना तो मैं तुम्हारे भाई की डायरेक्टली पेटी बन जाएगी। अभी चलना भाई, टूट रहेगी नहीं है भाई, टूट रहेगी नहीं। हाँ डायनो का डैमेज बढ़ाना पड़ेगा, डैमेज कम पड़ रहा है जिसका इसका अगर मैं डैमेज बढ़ा देता हूँ तो मेरे को जो ना वो भी ज़्यादा मिलेगा गाइस। ठीक है वेट अ मिनट, इसका डैमेज जो ना गाइस वो बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा ताकि मेरे को सीड ज़्यादा मिले। 10-10, 20-20 सीड से कुछ नहीं होने वाला गाइस भाई, इससे तो लगभग भाई 100-200 ही नार्कोटिक बन पाएंगे। देखते हैं चलो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, जाओ लेट दो। 5 minutes later. गाइस हम उतनी ज़्यादा जो है ना गाइस यहाँ पे बेरी इकट्ठा नहीं कर पा रहे अभी फिलहाल के लिए। बेरी इकट्ठा करने के लिए क्या कोई और डायनो है क्या जो मेरे को ज़्यादा बेरी दे सके और इससे थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो गाइस, क्योंकि इसका जो स्पीड है ना भाई बहुत ही ज़्यादा घटिया वाला है। इग्वानडॉन जो ना गाइस वो बेरी इकट्ठा करके देता है एक्चुअली में, बट उसको अभी ढूंढे कहाँ पे वो समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे भाई घास फूस तो है बट उसमें से भी उतनी ज़्यादा बेरीज नहीं मिल रही है। देखो भाई नार्को बेरी मिल रही है, सीड नहीं मिल रहा है एक्चुअली में भाई। एक वो तोड़ नहीं पा रहा भाई खाली, एक्चुअली में टूट रहा है बट शायद दिख नहीं रहा, कोई ग्लिच होगा। टूट रहा है क्या? नहीं यार भाई 100 नार्कोटिक बनाने लायक जो है ना गाइस मैं यहाँ पे बेरी लेके चलता हूँ, ज़्यादा जो ना गाइस बनाऊंगा नहीं।
100 नारकोटिक बनाने के लिए कितना चाहिए बताओ? एक बेरी ना भाई, मेरे को 100-200 बेरी जो ना गाइस हर एक दर की इकट्ठा करनी है एंड उसके बाद अपना काम भाई खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है? अगर आपको पता है कोई बेरी कलेक्ट करने वाला सबसे ओपी वाला डायनो तो नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। अभी फिलहाल के लिए जो ना गाइस हमारा जो ब्रोंटोसोरस है ना, इसी से मेरे को काम चलाना पड़ेगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है गाइस, ठीक है? तो मैं ब्रोंटो से जो ना गाइस यहाँ पे काफी सारी बेरी जो ना गाइस वो इकट्ठा कर लेता हूँ। हेलो, इसका भाई पेड़ से मारने वाला कोई अटैक नहीं होता क्या? नहीं गाइस, शायद पेड़ से मारने वाला कोई अटैक नहीं है। चलो गाइस, यहाँ पे बेरी इकट्ठा करने में काफी टाइम लगने वाला है ब्रोंटो से। गाइस हमारा जो ब्रोंटो था ना, एक्चुअली में मेरे को लग रहा है इसका डैमेज काफी कम था, उस रीजन से जो ना गाइस वो ज्यादा बेरी इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। अभी जो ना गाइस ठीक ठाक बेरी नहीं, एक्चुअली में बेरी इकट्ठा नहीं करना, बेरी नॉर्मली इकट्ठा कर रहा है और सीड जो ना गाइस खाली एक या दो ही इकट्ठा कर रहा है। मेरे को काफी ज्यादा सीड की जरूरत है, बेरी की नहीं। चलो कोई ना, अभी अपना काम जो ना गाइस हो चुका है, मेरे को जो ना गाइस जितनी सीड चाहिए थी ना गाइस उतनी तो मिल चुकी है गाइस, 140 मिल चुके। टिंटो बेरी की भी काफी ज्यादा सीड जो ना गाइस वो मेरे पास आ चुकी है। तो अभी जो ना गाइस थोड़ा सा एक दो मिनट और यहाँ पे जो ना गाइस हम बेरी इकट्ठा करते हैं, देन उसके बाद घर पे चल के एकदम मस्त बेगी जो ना गाइस यहाँ पे नारकोटिक बना लेंगे गाइस, ठीक है? इस तरफ इधर भाई ज्यादा बेरी नहीं है यार, बेरी के पौधे जो ना गाइस तो ज्यादा है ही नहीं यहाँ पे। हेलो भाई, हेलो अंकल, हेलो सर, ओके लेट्स गो गाइस, इतने से काम बन जाएगा। चलो गाइस घर पे चलते हैं एंड देखते हैं कि हम जो ना गाइस कितना नारकोटी का भी फिलहाल के लिए यहाँ पे बना सकते हैं। अबे इधर 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 अंकल, इधर इधर इधर, अबे उधर नहीं, इधर 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 मारना है अपनी पूछ, मस्त बेकी भर भर के बेरी मिलेगा। यार बेरी नीचे वाला इकट्ठा कर रहा है कि नहीं? कर दिया भाई। ये जो ना गाइस पेड़ तोड़ ही नहीं रहा भाई, इसके क्लोज में जाना पड़ रहा है लग रहा है। ठीक है चलो, कोई सीन नहीं भाई, ओके। काफ़ी सारी बेरी जो ना गाइस अपने पास आ चुकी है एंड अभी जो ना गाइस तुम्हारा भाई जाने वाला है घर पे भाई, ठीक है? इसको डायरेक्टली घर पे लेके चलो या फिर ये सारी बेरी इन्वेंटर में ले लूँ? सारी बेरी और सीड ले लेता हूँ इन्वेंटर में गाइस, ठीक है? चलो आ जाओ, और थैच और वुड भी ले लेता हूँ। चलो लेट्स गो भाई, और ब्रोंटो को ना क्रायो करके लेके चलते हैं, ठीक है? ब्रोंटो ने अपना काम जो ना गाइस वो तो कर दिया है, अभी बस मेरे को नारकोटिक बना लेनी है एंड उसके बाद जाके जो ना गाइस अपना टेमिंग वापस से चालू हो जाएगा ना मेरे भाई। हमारे पास अंडे शंडे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं भाई, ठीक है? अंडों की कोई टेंशन नहीं है, बस टेमिंग जो ना वो फटाक से चालू कर लेना है और मेरे को एपिक्स वाले डायनो जो ना गाइस वो यहाँ पे पकड़ने हैं और उसके लिए जो ना मेरे पास भाई उतनी ज़्यादा खतरनाक वाली एरोज नहीं है। गुरुजी का जुगाड़ भी अपन करने वाले हैं नारकोटिक का, तो यहाँ पे पहले नारकोटिक के लिए मैं जो ना गाइस सारी सीड डाल देता हूँ। मेरे को खाली सीड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, देन मेरे को चाहिए होगा भाई थोड़ा सा नारकोटिक चाहिए होगा। सो नारकोटिक जो ना गाइस यहाँ पे बन जाएगा एंड उसके लिए अभी ये स्पॉइल मीट जो मैंने यहाँ पे भाई बनाने के लिए डाला था वो काम आने वाला है गाइस, ठीक है? 740 इसको चार हिस्सों में कन्वर्ट कर लेता हूँ, देन इन भाई 10,000 बेरीज को भी चार हिस्सों में कन्वर्ट कर लेता हूँ भाई, ठीक है? आ जाओ एंड इनसे हम यहाँ पे बनाने के लिए डाल देंगे नारकोटिक। क्या नारकोटिक अनलॉक्ड है? हाँ अनलॉक्ड तो है भाई, तो 200 नारकोटिक भाई कितना भाई 450। अच्छा उसके अंदर ज़्यादा स्पॉइल मीट था, पहले से डाल रखा था लग रहा है, ठीक है? कितना बन जाएगा भाई 190 यहाँ पे, वहाँ पे 600-700 बन रहा है और बाकी के हर एक जो है ना गाइस जिसमें 190 बन जाएगा। और थोड़ा स्पार्क पाउडर भी बनाने के लिए डाल देता हूँ, ओके एरवी को गाइस, ठीक है? स्पार्क पाउडर भी की हमको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। लेट्स गो गाइस, अपना काम जो है ना गाइस हो चुका है एकदम मस्त, क्योंकि 25 नारकोटिक जो है ना गाइस वो यहाँ पे बन रहा है। स्पार्क पाउडर यहाँ पे बनाने के लिए डाल देता हूँ एंड अभी जो है ना स्पार्क पाउडर बनाने के लिए थोड़ा फ्लिंट चाहिए होगा भाई, 1000 उठा ले भाई, ठीक है? डन 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 डन, चलो आ जाओ लेट्स गो। यहाँ पे स्पार्क पाउडर बन रहा है? नहीं यार, इसके लिए फ्लिंट चाहिए होगा, उठा ले 1000 भाई। इसके फ्लिंट की कमी है क्या तुम्हारे भाई के पास? एरो बनाने के लिए भी उल्टा फ्लिंट चाहिए होगा, उसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो गाइस, तो नारकोटिक जो है ना गाइस यहाँ पे बन रही है, नारकोटिक बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक हम क्या करें गाइस? तब तक जाके थोड़ा सा एक मिनट रुक जाओ, क्या मैं बना सकता हूँ? फैबी बनाने के लिए मेरे को ऑयल चाहिए, स्पार्क पाउडर चाहिए, सीमेंटिंग भी चाहिए, सब कुछ है पड़ा हुआ। फैबी बना लेता हूँ तो काम बन जाएगा कुछ अपना। फैब्रिकेटर SS वाला डायरेक्टली, ठीक है? सो SS वाला फैबी बना लेता हूँ, इसके अंदर ना हमारे इलेक्ट्रॉनिक बन जाएंगे और उसके लिए सिलिका बल का जुगाड़ करना पड़ेगा। स्पार्क पाउडर की कमी नहीं है रे बाबा, ये ले बेटा, स्पार्क पाउडर तो भर भर के पड़ा हुआ है, ये ले भाई। अच्छा यहाँ पे ज़्यादा नहीं पड़ा है, यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो स्पार्क पाउडर काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तब तक जो ना इसमें हीलिंग पोशन बना लेता हूँ 1,500 का, ठीक है? और हीलिंग पोशन बना के कहीं पर रख दूंगा मैं, एक काम कर लेता हूँ, इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेरीज ही जो ना गाइस यहाँ पे डाल के रख देता हूँ, ठीक है? ताकि अगर हमको गाइस कभी हीलिंग पोशन बनाना पड़ा ना तो हम घर पे आके जो ना डायरेक्टली बना पाए। और ये तहज भी इसके अंदर डाल देता हूँ, मेरे पास वैसे 300 हीलिंग पोशन यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है, ओके।
सो हम लोग स्पार्क ऑर्डर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे बन जाएगा हमारा फैब्रिकेटर। इसको चलाने के लिए चाहिए होगा गैसोलीन, और गैसोलीन जो रहेगा जो मेरे पास उतना ज़्यादा ही नहीं। सो मैं जो रहेगा 5 गैसोलीन खाली नीचे से पुल कर लेता हूँ। ओ 10 बना हुआ है, ओके ठीक है 10 गैसोलीन तुम्हारे भाई के पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके सो ये फैबी जो है ना गाइस वो लगेगी हमारी यहाँ पे इस तरह से टीढ़ी करके। ओके यहाँ पे लगेगी क्योंकि मेरे को उस पार्क वाटर भी तो वहाँ से निकालना पड़ेगा ना। हाँ यहाँ से अपन अबे यार पिकअप कर ले, थोड़ा दूर लगा देता हूँ क्योंकि इस पार्क वाटर बिक वाटर उठाने के लिए मेरे को जगह चाहिए होगी। और यहाँ पर नहीं लगाता क्योंकि वहाँ से अंदर भी आना पड़ेगा। ठीक है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फैबी अपना लाइक दिस भाई। ठीक है फैबी लग चुका है गाइस हमारा, कोई सीन नहीं है। और इसके अंदर जो ना गाइस मेरे को जनरेटर बनाना है, और जनरेटर बनाने के लिए मेरे को इलेक्ट्रॉनिक चाहिए होगा, और इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए मेरे को सिलिका बल चाहिए होगा। देखता हूँ गाइस इलेक्ट्रॉनिक बन रहा है कि नहीं। ठीक है पहले इलेक्ट्रॉनिक अनलॉक कर लेते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बन सकता है कि नहीं अपने पास। शायद सिलिका बल थोड़ा सा पड़ा हुआ हो सकता है मेरे पास। ओ पड़ा हुआ है एक्चुअली, मैं गैसोलीन से इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ। 11 सिलिका वो बन रहा है खाली गाइस, 11 इलेक्ट्रॉनिक। इसको बंद करके रख देता हूँ, खाली पुकड़ जो ना कि हमारा गैसोलीन खत्म हो जाएगा। आ जाओ अभी जो ना कि हम यहाँ पे नारकोटिक यस नारकोटिक बना लेते हैं ये वाली गाइस। ठीक है बड़े आराम से बन जाएगी, लेट्स गो। क्यों भाई इतनी कम बनी थी क्या? नारकोटिक चाहिए होगा यार थोड़ा सा। नारकोटिक कितना बना है? 40 तो नारकोटिक बन चुका है गाइस, 40 बन चुका है। इससे काफ़ी ज़्यादा जो ना कि हमारी वो बन जाएगी। वेट अ मिनट, 40 ये ले भाई और ये ले भाई, यहाँ से 37 उठा लो। एंड स्पार्क पाउडर है क्या भाई इसमें? स्पार्क पाउडर नहीं, इसमें क्या, इसमें 1700 पड़ा हुआ है। ये स्पार्क पाउडर ना मिड स्पॉयलर में डाल देंगे ताकि ये जो ना गाइस हमेशा चलता रहे मैं ऑफलाइन जाने के बाद भी। एंड अभी जो ना गाइस ये सारा नारकोटिक हम डालेंगे इसके अंदर। एंड यहाँ पे बना डालेंगे अपन ये वाली नारकोटिक भाई, ठीक है। ओ भाई और ये वाली बनेगी टॉक्सिक ब्लड। अरे टॉक्सिक ब्लड की कमी है क्या तेरे भाई के पास? ये वाली भी बन जाएगी, ठीक है ये वाली भी बन जाएगी, नाइस वन। ये वाली अल्फा ब्लड, ये वाली एपेक्स, एपेक्स वाला ब्लड नहीं लेकिन अल्फा वाला ब्लड है मेरे पास। ओ एपेक्स ब्लड भी है गाइस, मैं ये एपेक्स इन्फ्यूज टॉक्सिक जो है ना गाइस नारकोटिक बना सकता हूँ गाइस। ठीक है और डार्ट बनाने के लिए, डार्ट बनाने के औकात अभी हमारी जो ना है नहीं गाइस। ठीक है सो हम जो ना गाइस एरो बना लेंगे चुपचाप, ठीक है। एरो कहाँ बनती है यार? ये नारकोटिक तो बन गया, बट ट्रैंक 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 डाल दे, ट्रैंक डाल दे। अबे क्या हुआ? हाँ ट्रैंक ट्रैंक एरो क्या मेरी इन्वेंटरी में बनती है क्या? ये कौन सी वाली है? टॉक्सिक ट्रैंक एरो, ट्रैंक जो ना कैसे मेरी इन्वेंटरी में बनती है। ठीक है सो मैं जो ना कैसे टॉक्सिक वाली नहीं चाहिए मेरे को, ओशन ट्रैंक टॉक्सिक वाली जो होती है ये वाली है। ओके टॉक्सिक तक ही बना लेना क्योंकि उसके आगे की जो ना गाइज ट्रैंक एरो मेरे को दिखाई तो दे रही है, बट इसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा? इसके लिए मेरे को प्राइमल एरो चाहिए होगी। ठीक है तो अपन जो ना गाइस टॉक्सिक वाली जो ना गाइस वही खाली एरो बनाएंगे जिसका मेरे हिसाब से टॉरपोर जो ना गाइस उतना ज़्यादा नहीं जाएगा तगड़ा वाला। ठीक है उसके लिए मेरे को ब्लू वाला नारकोटिक चाहिए। ब्लू वाला नारकोटिक तो ये वाला ही है, ब्लू वाला नारकोटिक ही बना रहे हैं ना अभी। हाँ ब्लू वाला नारकोटिक चाहिए होगा, चलो आ जाओ। सो ब्लू वाला नारकोटिक जो ना गाइस वो बना लेते हैं और इससे जो ना गाइस हम ये वाले एरो बनाएंगे गाइस। ठीक है लेट्स गो, मेरे को नॉर्मल एरो बनानी पड़ेगी पहले। 100 फ्लिंट चाहिए होगा उसके लिए, रुक जाओ। इसके लिए क्या चाहिए? रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम ना। अबे यार मैंने एफएम के मॉड नहीं डाले, मेरे पास रेयर मशरूम पड़े हुए हैं बट गाइस मेरे पास ना रेयर फ्लावर नहीं है। ओ बाय, मतलब मैं ज़्यादा एरोज बना नहीं सकता जब तक मेरे को जो ना गाइस रेयर फ्लावर नहीं मिलते। रेयर मशरूम जो ना गाइस जो अपने घर के नीचे लगे हुए हैं गाइस, यहाँ पे देखो, ये देखो भाई। और इसके अंदर 10-20 हज़ार जो ना गाइस मैंने इकट्ठा करके रखे थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये देखो भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है गाइस अपने पास, उसका कोई सीन नहीं है। और मेरे को रेयर फ्लावर का जुगाड़ करना पड़ेगा और वो कैसे जुगाड़ करूँगा पता नहीं। यहाँ पे और मशरूम उग रहे हैं क्या अभी? हाँ मशरूम तो ये रहेगा। इसे देखो मशरूम की कमी नहीं है गाइस, ये वाले मशरूम हमारे पास काफ़ी पड़े हुए हैं लाइक। ये देखो यहाँ से ये ले भाई। अबे यार तू तो भाई उससे भी ज़्यादा सीड इकट्ठा करता है भाई, मैंने खामखा ब्रोंटो को टेम कर लिया। ये देखो गाइस कितनी ज़्यादा सीड जो है ना गाइस अभी इकट्ठा करने का काम कर रहा है, ब्रोंटो से भी ज़्यादा तगड़ी वाली सीड इकट्ठा कर रहा है गाइस ये देखो तो भाई। यार मैं खामखा ब्रोंटो को टेम करके वहाँ पे इतना ज़्यादा सुड़ुक जाम करके आया, अपने बेस के पास अगर इकट्ठा कर लेता तो ज़्यादा सीट मिल जाती उससे भी फिर भी को। ठीक है अभी अपने पास रेयर मशरूम ना भर भर के आ चुका है, अभी बस खाली रेयर फ्लावर का जुगाड़ करना है। एंड वो जुगाड़ जो ना अभी हम कर नहीं पाएंगे। चलो भाई एक काम कर, इसके अंदर भाई कुछ डाल सकता हूँ मैं? नहीं डाल सकता भाई, ठीक है इसी के अंदर रह रहे हैं तो इसके अंदर सुरक्षित रहेंगे भाई। ठीक है चलो सो अभी हमको एरो बनाने के लिए फ्लिंट चाहिए होगा, रुक जाओ
पहले एरो बना लेता हूँ, उसके बाद देखते आगे क्या करना है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं नॉर्मल वाले एरो, लगभग 100-200 भाई, ठीक है 200 एरो। देन ये वाला नार्कोटिक, ये वाला नार्कोटिक नहीं, ये वाली ट्रैंक एरो, उसके बाद ये वाली भी बना लेते हैं, ठीक है। या फिर रेयर फ्लावर का जुगाड़ करें, रेयर फ्लावर का जुगाड़ तो हो सकता है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट कहाँ पे होगा ये समझ नहीं आ रहा। रेयर फ्लावर बेसिकली जो है ना गाइज, कौन सी एरिया में मिलता है, मैं थोड़ा गूगल बाबा से भाई पूछता है यहाँ पे, और भाई मैं देख के आता कि रेयर फ्लावर जो है ना गाइज मेरे को कौन से वाले एरिया में मिलेगा। रेयर मशरूम तो अपने पास पड़ा हुआ है, मेरे को खाली रेयर फ्लावर चाहिए होगा। रुकना गाइज, मैं थोड़ा गूगल बाबा की हेल्प लेता और देखता हूँ इस मैप में ना रेयर फ्लावर कहाँ पे मिलेगा मेरे को। गाइज गूगल बाबा जिंदाबाद गाइज, ठीक है अपने घर के अंदर रेयर फ्लावर पड़ा हुआ है और मेरे को पता ही नहीं गाइज, ठीक है। मैं थोड़ा सा गूगल से भाई पूछ गया कि भाई रेयर फ्लावर कहाँ मिलेगा, तो उसने मेरे को लोकेशन तो बता दिया गाइज, ठीक है। इसको लेके चलता, मैं आपको दिखाता हूँ रेयर फ्लावर मिलेगा कहाँ पे, ठीक है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड गाइज, ठीक है। रुको 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 रुको, वो बस भाई अपने यहाँ पे होगा, इस कब्जे में हो भाई, ठीक है। ये देखो गाइज, ये वाला देख रहे हो गाइज, ये वाला गाइज आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे फ्लावर दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली में रेयर फ्लावर गाइज, ठीक है। अबे यार मैंने यहाँ पे फाउंडेशन खाली बिकोट लगा दिया भाई, रुक जाए फाउंडेशन निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फाउंडेशन नहीं लगेगा, अरे बाबा सारे फाउंडेशन तोड़ दो भेज गया। अभी फाउंडेशन ब्यूटेशन लगेगा ही नहीं भाई, इनको उगते रहना चाहिए गाइज। ये जो प्लांट देख रहे हो ये छोटे छोटे से प्लांट्स, ये एक्चुअली में जो ना गाइज हमारे रेयर फ्लावर के प्लांट है गाइज, ठीक है। देख रहे हो, देख रहे हो रेयर फ्लावर के प्लांट है। अरे भाई इससे नहीं, इससे नहीं भाई, उस डायनो से उठाऊंगा मैं, ज़्यादा मिलेगा गाइज सामान, ठीक है। रुक जाओ, नीचे के जो फाउंडेशन से वो तोड़ने दो, ताकि जो ना गाइज रेंडर का सीन जो है ना गाइज वो यहाँ पे होना। अगर अपन ने कहीं पे, अरे नहीं लेकिन उसके साइड में तो मैंने वो लगा रखा है ना डायरेक्टली, क्या बोलते हैं इसके अंदर कुछ था क्या, ये बीपी थी गाइज इनकी, जिनकी बीपी मेरे को चाहिए ना, अपन मेटल वाली बना लेंगे डायरेक्टली गाइज, ठीक है। यहाँ पे रेयर मशरूम्स भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, अगर हमको रेयर फ्लावर चाहिए तो इसी घर में शायद अकेले में है ना रेयर फ्लावर, या इसी वाले घर में रेयर फ्लावर मिल जाएगा। बस जाना है और पट से, ये आज 10, 14, 15, 20 हज़ार कितना हो गया भाई, कितना हो गया 17,000 रेयर फ्लावर, और चाहिए तो और मिलेगा भाई, और चाहिए तो और मिलेगा। रुको 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 रुको, अभी ऐसे ही जो ना गाइस फ्लावर्स मेरे को इस बारे पूरे कैसल में ढूंढने गए, ठीक है। एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को वैसे वाले फ्लावर मिल जाए, बट शायद और फ्लावर्स नहीं है ना, ना रेयर मशरूम मिल रहे हैं बट और रेयर फ्लावर जो है ना गाइस वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। वो रोडोल्फ है वहाँ पे यार, बट रोडोल्फ को टेम करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि भाई साहब बाहर भाई डिमोनिक डिमोनिक डायनो घूम रहे हैं। तो अपन जो ना यहाँ से भी फिलहाल के लिए कल्टी मार लेते हैं, मेरे हिसाब से हमको उतना ही ज़्यादा जो ना गाइस रेयर फ्लावर यहाँ पे मिल सकता था। और है क्या, नहीं यार पूरे कैसल में जो ना गाइस इतना ही रेयर फ्लावर था, बट इससे जो ना गाइस हम काफ़ी ज़्यादा जो ना गाइस यहाँ पे मात्रा में नार्कोटिक बना सकते हैं, और उस नार्कोटिक से जो ना गाइस हम किसी को भी नॉकआउट कर सकते हैं, जिसका टॉर्पर लगभग भाई 1-2 लाख है ऐसे डायनोस को गाइस, ठीक है। तो अभी जो ना गाइस थोड़े से हाई लेवल के डायनोस को टेम करने का टाइम जो ना गाइस वो मेरे हिसाब से आ चुका है। और गाइस गेम का आवाज़ ज़्यादा है या मेरा आवाज़ ज़्यादा है जरूर बताना, मेरे को लग रहा है गेम का आवाज़ जो ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको पार्क करके रख देता हूँ, और इसी के अंदर सारा का सारा रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम रहने दो गाइस, ठीक है। चलो अभी अब जाओ, कहाँ से जंप मार के जाना पड़ेगा, ओके तो चलते हैं फटाक से एकदम टॉप फ्लोर पे। और प्यास लगी है इसको, प्यास भी भाई बुझा देता तेरे, रुक जा पहले हमको नार्कोटिक बनाने दो गाइस, ठीक है। सो ये रहा नार्कोटिक ब्लू वाला, एंड ये वाला नार्कोटिक मेरे को बना लेने गाइस यहाँ पे, ओके। अभी मत बोलना कुछ और कम पड़ रहा है, क्या कम पड़ रहा है, ब्लड क्या टॉक्सिक पूछ, अबे यार टॉक्सिक ब्लड कम पड़ रहा है मेरे को। अल्फा पीडी कहाँ पे, अल्फा पीडी से थोड़ा सा टॉक्सिक ब्लड लेके आता होगा, ठीक है। टॉक्सिक ब्लड की थोड़ी सी कमी पड़ रही है, थोड़ा सा पानी भी पीना पड़ेगा, रुको पानी पी के जो ना गाइस अपन चलते डायरेक्टली टॉक्सिक ब्लड का जुगाड़ करने के लिए। यहाँ पे टॉर्च किसने लगा के रखी है, अरे तो चलो जल रहे तो जलने दो, पानी पी लेते हैं, चलो आ जाओ गाइस। आज तो हम नार्कोटिक जो ना गाइस एकदम पावरफुल वाली बना के रहेंगे गाइस, ताकि अगले एपिसोड से हमारा टेमिंग जो ना गाइस वो चालू हो सके, ओके। डोडो डोडो रेक से भाई संभल के, वहाँ पे जाना ही नहीं क्योंकि वो वन शॉट दे देगा मेरे को, ओके। टॉक्सिक वाले अगर मेरे को वो चाहिए फेवर्ड वाला डायनो मार दूंगा तो पोगड़ में टेमल पर मिल जाएगा, थोड़े से टेमल पर पहले इतना रिस्क तो बनता है। अबे यार तेरी पेटी किधर है, अबे चलो ना बंदर लोग, बंदर राजा, अरे पूरे पूरे बंदर फैमिली ने अटैक कर दिया यार मेरे ऊपर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे 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 संभल के संभल के, रेडवुड में इतनी दवाई मच रही है क्या, या फिर उसकी पेटी पड़ी होगी यार, नहीं पड़ी है,
चलो भाई चिटिन पॉकेट में मिल रहा है भाई, देखो आ जा बेटा, आ जा इधर आ इधर आ इधर आ। अबे बेटा बैठ जा भाई। ओके लो, पॉकेट में चिटिन मिल रहा है क्या तुमको? चलो ये कौन आ गया भाई? हेलो अंकल, कैसे हो? चलना भाई अंकल, बाय बाय, सी यू लेटर ब्रो, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइज। आ जाओ यहाँ पे भाई, उसकी पेटी तो पड़ी होनी चाहिए थी। पेटी की पेटी नहीं है यार, मेरे को टेबल पर नहीं मिला भाई। ठीक है चलो, टॉक्सिक वाले डायनो कहाँ पे ढूंढो? अब यार यहाँ पे अंदर नहीं, रेडवुड के अंदर नहीं, रेडवुड के अंदर जो ना काफ़ी ज़्यादा खतरा है, और मैं अपने मैक्स लेवल के जो ना गाइज इस प्यारे प्यारे से पीढ़ी को मरवाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ गाइज अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, मेरे को टॉक्सिक ब्लड का जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से। तो टॉक्सिक वाला कौन सा डायनो मिल सकता है मेरे को? अबे 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 संभल के भाई, संभल के थोड़ा सा इसको अगर मार डाला ना तो समझ लो लाइव झिंगा लाला। अबे यार लेकिन ये हाथ नहीं आने वाला भाई, उससे ना मेरे को वो मिल जाता गाइज पॉकेट में, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर मिल जाता। चलो आ जाओ गाइस, टॉक्सिक वाले डायनोज को ढूंढ के यहाँ पे उनको मार देते हैं। उनको ढूंढना मेरे को नहीं लग रहा इतना ज़्यादा इजी होने वाला, क्योंकि मेरे को एक भी टॉक्सिक डायनो ना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। A few moments later. वाह भाई वाह, हमारी पीढ़ी का स्टैमिना देख रहे हो भाई, पानी के ऊपर डायरेक्टली भाई खत्म हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे कोई मारने के लिए ना आ जाए। चलो जमीन तक तो पहुँच चुका है अपना पीढ़ी, बट मेरे को टॉक्सिक वाला डायनो नहीं दिख रहा है यार एक भी। मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा भाई टॉक्सिक सार को नहीं यार, सारे नॉर्मल डायनोज ही दिखाई दे रहे हैं, ब्रायोनिक्स बियोनिक्स है। अबे यार एक हाथ दो टॉक्सिक वाला डायनो दिख जाए, 200-300 ब्लड से काम बन जाएगा। फेदर लाइट को मार सकता हो क्या? मार देता हूँ, चलो चिक्का डालता इसको, भगवान के पास पहुँचा डालता। वैसे मेरा डैमेज काफ़ी तगड़ा वाला है, इसे थोड़े से जो ना कि इलेक्ट्रिक फेदर बिदर मिल जाएंगे। तो कौन है, फेबल्ड है क्या? फेबल्ड है तो मर जा भाई, फेबल्ड है, फेबल्ड है, मुझे इसको चेप डालता हूँ। ठीक है, अबे हेलो, हाँ नाइस वन गाइस, टेमल पर जो ना गाइस वो मेरे को मिल चुका है। ए रुडॉल्फ सर जी, हेलो हेलो रुडॉल्फ सर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तो हमको चाहिए था भाई, रुडॉल्फ सर जी तो चाहिए थे। रुडॉल्फ सर जी हाउ आर यू, कितना टॉर्पर है सर आपका? 22,000। एक काम कीजिए, संभल के भाई, इतना काहे लैग मार रहा है? नशे भाई, सस्ते नशे चल रहे। रुडॉल्फ के ना भाई पट्ट से हेडशॉट मारना पड़ेगा, तभी जाके एक गोली में नॉकआउट होगा, वरना इस वाले एरो से एक गोली में नॉकआउट होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। रुडॉल्फ भग चुका है, उसका पीछा कर करके ना रुडॉल्फ को कैच कर लेते हैं गाइस। ठीक है, ये एक बार अपने कब्जे में आ गया ना, अगर इसको हमने एक बार टेम कर लिया ना, तो हम किसी भी लोकेशन पे ना काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं भाई। ओके, कितना है भाई? 13,000 टॉर्पर चढ़ चुका है, मतलब मेरी एक एरो 13,000 का मैक्स टू मैक्स टॉर्पर दे रही है, उससे ज़्यादा टॉर्पर नहीं दे रही है। चलो भाई ईजी पीजी नॉकआउट ना मेरे ब्रो। ओके, इसको टेम करने के लिए मेरे को चाहिए भाई 6 मेजो बेरीज गाइस। ठीक है, मैं यही से मेजो बेरी इकट्ठा करके ना इसको खिला देता हूँ गाइस। भाई अपने पास रुडॉल्फ आ चुका है गाइस, रुडॉल्फ वो भी बोल दे ब्रो, अपने बेस के साइड का रुडॉल्फ तो हम टेम नहीं कर पाए, लेकिन इसको हमने जरूर टेम कर लिया है गाइस। ठीक है, ओके, ओ ओ ओ ओ ओ ओ केओस वाली ब्रूड मदर, संभल के बेटा जल्दी टेम हो जा, खतरा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, जैसे गलती मारनी पड़ेगी। अभी जल्दी हो जा भाई, बेस क्या कहा, आ जा भाई, क्राई हो जा, चलो गोटा कल्टी मार, सीधा कल्टी भाई। ओके आ जाओ, मैं आज तो टॉक्सिक ब्लड जो ना गाइस वो लेके जाऊंगा गाइस किसी भी कीमत पे, और मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे मेरे को टॉक्सिक ब्लड मिलने वाला है। मैं चुपचाप जो ना गाइस थोड़े से ओपन ओपन एरिया में जाता हूँ, वहाँ पे कुछ टॉक्सिक डायनोज को मारूंगा। ठीक है ना गाइस, टॉक्सिक वाला कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ओमेगा सार्गो की भाई यहाँ पे जो ना गाइस टॉर्पर काफ़ी ज़्यादा कम है बोलने वाला था, और उसका टॉर्पर ना काफ़ी सही यार, मेरे को लगा उसका भाई 20-30,000 खाली टॉर्पर है। ठीक है गाइज, पूरा मैंने भाई रेड वुड से यहाँ तक पूरा एरिया छान लिया है, बट मेरे को एक भी ना टॉक्सिक डायनो यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। समझ नहीं आ रहा टॉक्सिक डायनो जो ना गाइज वो भाई अचानक से कहाँ पे गायब हो चुके हैं। मेरे को लग रहा है मेरे को समंदर के किनारे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो टॉक्सिक वाले डोडो जुम्बी डोडो मिलेंगे ना गाइज, उनको मार के ना टॉक्सिक ब्लड का भी शायद जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई चारा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। चलो गाइस समंदर के किनारे पे चलते हैं सीधा, लेट्स गो। यहाँ पे खतरनाक सी ब्रूड मदर जो है ना गाइस वो दिखाई दे रही है मेरे को, एंड इसकी हेल्थ भाई 21 मिलियन है भाई। कल्टी गोटा कल्टी, अरे 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 अरे, संभल के भाई संभल के। ओके यहाँ पे भी हमको जो ना गाइस अपेक्स नहीं, सॉरी टॉक्सिक वाले डायनोस ढूंढने हैं। मेरे को नॉर्मल पीटी जो है ना गाइस वो दिखाई दे रहे हैं, बट टॉक्सिक वाला कोई भी डायनो अभी, अरे कछुआ टॉक्सिक है, पक्का टॉक्सिक है। चलो आ जाओ गाइज, टॉक्सिक वाले कछुवेश्वर जी के जो ना गाइज दर्शन हमको हो चुके हैं, और भाई 7 FPS, भाई FPS इतने कम क्यों मिल रहे हैं यार। आ जाओ, हियर वी गो सर, हाउ आर यू। चलो गाइज 117 ब्लड से ना वैसे भाई उतनी ज़्यादा ट्रैंक एरो बनेगी नहीं गाइज। ठीक है, और यहाँ पे भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा अल्फा वाले डोडोज भी दिखाई दे रहे हैं,
इस वाले एरिया में वैसे मैं कभी आया नहीं हूँ। टॉक्सिक ज़ॉम्बी डोडो, इससे भी काम बन जाएगा। फिर भी को सर, अबे आर पार चला गया उसके भाई, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। वेट अ मिनट, बाय बाय सर। चलो भाई इसको जो ना कि सर्विस कर लेते हैं। अल्फाड है उसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इनको जो ना कि जब मैं मारना नहीं चाहूँगा, टॉक्सिक डोडो, ओके ठीक है, इसको जरूर मारूंगा मैं। चलो लेट्स गो गाइज। टॉक्सिक ब्लड का मेरे हिसाब से जो ना कि जुगाड़ हो चुका है, इतने टॉक्सिक ब्लड से शायद काम बन जाएगा अपना। देखते चलो और कुछ है क्या, और कोई टॉक्सिक डायनो है? अगर और टॉक्सिक डायनो होंगे तो उनको भी मार के चलते हैं। ऐसे ब्लड कितना हो चुका है टोटल? 199 खाली ब्लड हो गया क्या मेरे पास? अबे यार इससे तो उतनी ज़्यादा नार्कोटिक नहीं बन पाएगी, मेरे को और ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा। रुक जा और थोड़ा सा आगे। हाँ एक और टॉक्सिक मिल गया ना। हाँ गाइज टॉक्सिक डोडो 100 लेवल, ठीक है। हेलो सर, चलो गाइज इसको भी मार दिया। आ जाओ आगे देखते हैं, आगे तो मेरे को खास कोई दिखाई नहीं दे रहा। फेवल्ड है क्या? चलो टेम हेल्पर का जुगाड़ हो गया भाई। हेलो भाई, कभी कभी ना इनमें से टेम हेल्पर मिलता ही नहीं है, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी मिलता नहीं है गाइज। समझ में नहीं आता क्यों। मैं गाइज टॉक्सिक ब्लड की खोज में जो है ना गाइज काफ़ी ज़्यादा ही दूर आ चुका। ओ डिमोनिक घोड़ा क्या? और डिमोनिक इक्विज दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे। डिमोनिक इक्विज के साथ साथ किसी का घर भी दिखाई दे रहा है गाइज। क्रिम्सन, क्रिम्सन वाकई अगर घर के ऊपर ही डिमोनिक वाला अगर भाई घोड़ा हमला करे तो क्या होगा भाई? क्रिम्सन वाकई घर की तो बैठ बच जाएगी भाई। क्रिम्सन वाई यहाँ पे घर बना रहा है गाइज, देख रहे हो? अरे घर को भाई दरवाजे बिरवाजा एक ही नहीं कुछ पता नहीं गाइज। चलो आ जाओ निकल लेते गाइज। जो अपने सर्वर में खेल रहा है ना गाइज, एक बंदा उसका घर है वो छोटू सा गाइज, और भाई इसके घर के साइड में डिमोनिक वाला भाई वो घोड़ा भाई घूम रहा है। अगर ये ऑनलाइन आया ना तो घोड़ा इसके भाई जरूर से भाई बैंड बजा देगा। आ जाओ गाइज, कुछ नहीं दिखाई दे रहा यार यहाँ पे। मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से घूम रहा हूँ, मैं उतनी दूर से यहाँ तक आ गया गाइज घूम घूम के, बट मेरे को ज़्यादा कुछ भाई टॉक्सिक ब्लड देने वाले ना डायनो दिखाई नहीं दिए। एक मिनट रुक जाओ, मैं नारकोटिक अगर वो सर्च करूँ तो इस नारकोटिक के लिए एक टॉक्सिक ब्लड चाहिए। सो शायद हमारा काम बन सकता है जितना हमारे पास ब्लड है उससे गाइज, ठीक है। चलो घर पे चल के देख लेते हैं कि हम जो है ना गाइज यहाँ पे कितनी नारकोटिक बना सकते हैं और उससे कितने एरोज बना सकते हैं। बाय बाय रैप्टर सर। रैप्टर लाडमी मारने के लिए आया था भाई। घर पे आते ही भाई बम चिकी चिकी बम बम से स्वागत। शील्ड बिल्ड टूटी तो नहीं ना 66,000 का? अच्छा वो रैप्टर को डैमेज दिया था हमने। आ जाओ चलो लेट्स गो। तो हम लोग जो है ना गाइज फटाक से यहाँ पे ये टॉक्सिक ब्लड इसके अंदर डाल देते हैं और नारकोटिक। अरे यार हल्पा वाली नारकोटिक बट मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि वो खाली जो है ना डार्ट में ही काम आती है, अभी मेरे किसी काम की नहीं है गाइज, ठीक है। सो गाइज टोटल जो ना गाइज 100+ एरोज जो ना गाइज वो हमारे पास यहाँ पे बनने वाली है टॉक्सिक नारकोटिक की गाइज, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, टॉक्सिक वाली जो ना गाइज 100+ एरो बनने वाली है, और बाकी के अगर मेरे को नारकोटिक यूज कर रहे तो उनके जो ना गाइज खाली डार्ट बनेंगे, जो कि अभी मैं बना नहीं सकता हूँ। सो गाइज अपने पास नारकोटिक आ चुके हैं और इससे जो ना गाइज आगे जाके हम भाई काफ़ी खतरनाक एंड ओपी वाले एपिक्स डायनोस को टेम करेंगे। मतलब अगला वाला जो एपिसोड होगा उसमें एपिक्स डायनो को टेम करने का काम जो ना वो तुम्हारा भाई करने वाला है। कुछ डार्क वाले मेगा रैप्टर मेरे घर के साइड में घूम रहे हैं, हेल्थ के हिसाब से मैं वन शॉट मार सकता हूँ इसको। हेलो सर हाउ आर यू? अरे इधर आना अंकल, भग रहा है मेरे से डार पोग, भगता है अपनी मौत से कैसे भगेगा बाबा। अभी मार दिया तेरे भाई ने, इतना प्रो बन गया क्या मैं? इसको भाई बड़े आसानी से मार दिया मैंने। रुक जाओ हार्वेस्ट कर लेता हूँ। अबे हार्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसकी डेड बॉडी को। हेलो सर, अबे हार्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सिलेस्टियल बियर 700 के खतरों के खिलाड़ी गाइस, खतरों के खिलाड़ी। रुको जरा सबर करो, तेरा भाई जैसा कोई हार्डिच नहीं है। चलना कलाना बियर है, बियर कलाना गाइस। भाई सिलेस्टियल को पेलेंगे अपन बग बेस क्या? ओ शिट। अरे लिंक पोजन नहीं है मेरे पास, मैं भूल गया था गाइज। डरना नहीं, डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है? डरना नहीं, ओ शिट। थोड़ा डरना जरूरी है गाइज, ठीक है, क्योंकि भाई अगर राइडर तुम्हारा भाई हो तो डरना जरूरी है गाइज, ठीक है। थोड़ी हीलिंग भाई कर लूँगा इसको, और देखना अभी खतरों के खिलाड़ी मर जा भाई। अपना फर्स्ट किल गाइज, फर्स्ट सिलेस्टियल किल तुम्हारे भाई ने कर लिया, और अपने पास आ चुके गाइस सिलेस्टियल वाली सोलना मेरे बाजी, और साथ में कुछ खतरनाक वाली एरो, सिलेस्टियल वाला हाइड एंड
काफी सारी जो ना गाइस अलग अलग चीज जो ना गाइस एमओ बीमो आ चुकी है गाइस, ठीक है, मजा आ गया गाइस सिलेस्टर वाले बियर को मार के। चलो तो फिर इसी किल के साथ जो ना गाइस आज का एपिसोड जो ना गाइस यहीं पे खत्म कर लेते हैं। अगर आज का जो हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड है आर्क सर्वाइवल इवोल का अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आज जो ना गाइस हमने काफी ज्यादा पावरफुल वाली जो ट्रैंक एरोज है ना गाइस वो बनाई है और साथ में हमने जो ना गाइस आज रोडॉल्फ सर जी जो ना गाइस उनको भी टेम करने का काम जो ना गाइस यहां पे कर लिया है। अभी इसका सैडल बना के जो ना गाइस अगले एपिसोड से हम इसी को जो ना गाइस इधर उधर जाने के लिए जो ना गाइस यूज करने वाले, क्योंकि अपना रोडॉल्फ ना काफी ज्यादा ओपी होता है। और आज का जो एपिसोड है वो खत्म करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे फटाक से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे अल्फा पीटी के लिए और हमारे रोडॉल्फ के लिए अच्छे अच्छे वाले नाम जो ना गाइस वो नीचे कमेंट में डालना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और ये गाइस पब्लिक सर्वर है जिनको भी साथ में खेलना है बिंदास ज्वाइन करो गाइस सर्वर को, सर्वर का आईपी पासवर्ड आपको मिल जाएगा नीचे डिस्कॉर्ड पे जो लिंक दी गई है गाइस उस डिस्कॉर्ड सर्वर में। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। It's too late now, I remember you and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.